आज हम आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इस तरह की एक पेपर फोल्डिंग से कैट बनानी सिखाएंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने कैट बनाई है ग्रे कलर की। आप कैट के अकॉर्डिंग अपना कलर पेपर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लाइट कलर का पेपर लिया है। सबसे पहले हम एक आइसक्रीम कोन की तरह एक कोन यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारी कैट का इस तरीके से जो है धड़ नीचे का वो बनेगा। हमने यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन बनाया। अब आप देखिए इसको हमने सेट कैसे करना है। पहले तो हम यहाँ ऊपर से इसमें थोड़ी सी कट मारेंगे, इस तरीके से इसे काट देंगे ताकि हमारी कैट की गर्दन यहाँ पे सेट हो सके। फिर हमें इस तरीके से बनाया तो ये कैट खड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले अब इसको हम नीचे से बराबर एक इक्वल शेप देंगे ताकि कैट खड़ी हो सके। तो यहाँ से हमने इसको यूं कट करके, कट करने से ये बराबर हो गई है, कैट हमारी यूं खड़ी हो जाएगी। अब हम एक इस तरीके का पीस ऑफ पेपर लेंगे और कोई भी एक गोल चीज़ लेंगे जिसके अंदर ये हमें हल्का सा गोल शेप मिल जाए, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से गोल करेंगे तो ये प्रॉपर गोल नहीं हो पाएगा। इसके अंदर ऐसे इसको गोल करके हल्का सा और फेविकोल लगा देंगे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे कैट का फेस भी तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार कट लगाएंगे, एक दो यहाँ साइड में और एक यहाँ पीछे। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है जहाँ पे हमारा जोड़ है वो कैट की बैक साइड है और दूसरी साइड फ्रंट है। अब यहाँ पे हम ऊपर थोड़ी सी फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाने के बाद ये जो हमने इसका फेस बनाया है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दें। अब ये हमारी इस तरीके से धड़ बन के तैयार हो गया है। ये मेरे पास यहाँ पे गूगली आइज है। अगर आपके पास गूगली आइज ना हो तो आप ब्लैक कलर से कागज की काट के भी आप इस पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फेविकॉल लगा के यहाँ पे आइज पहले पेस्ट करें। ये हमने आईज पेस्ट कर दी। अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, उसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जैसे यहाँ पे ईयर्स हैं इस तरीके से एक ऐसे ट्रेंगल शेप में इसको ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करके इसको कट करेंगे और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट का यूज़ किया है थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ी अच्छी लगे, ब्लिंक करे। तो आप भी ग्लिटर पेपर ले सकते हैं और उससे इसमें एडिशन कर सकते हैं दूसरे कलर का, नहीं तो आप कलर पेपर भी ले सकते हैं अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो। ये यहाँ पे हमने कैट के ईयर्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको पेस्ट कर लिए। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको पेपर को नीचे फोल्ड कर दिया है और ताकि वो कान हमारे इसमें खड़े है। यहाँ पे हम फेविकॉल लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऐसे ही दूसरा अब हम अपनी कैट की मूछें बनाएंगे। तो हमने जो ग्लिटर पेपर यहाँ पे ग्लिटर शीट यूज़ किया है उसी के हमने पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं 6, इससे हम इसकी मूछें बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी कैट की मूछें लगा दिया। अब हमने इसकी नोज़ के लिए एक छोटा सा ब्लैक कलर का इस तरीके से हार्ट काटा है, उस हार्ट को हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे ताकि ये जो बीच में कट दिख रहा है वो दिखे ना, और ये हमारा क्लियर। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे गोल बिंदियाँ लगाई हैं डिफरेंट, उसमें थोड़ा गैप देके ऐसे ही हमने ग्लिटर की बिंदियाँ काटी हैं। ये बिंदियाँ हम इसमें पूरे में इस तरीके से पेस्ट करते हैं। अब ये हमारी कैट
इस तरीके से पूरी तैयार है। अब सिर्फ हमारी एक टेल बनानी रह गई और कैट के पैर बनाने रह गए। वो कैसे बनाएंगे हम, एक कैट के कलर का ही पेपर लेंगे, दूसरा उस पर फीट बनाएंगे। फीट के लिए हम इजी सिर्फ इस तरीके से हमें इस तरीके की एक शेप ड्रॉ करनी है, और टेल के लिए हमें सिर्फ इस तरीके से एक शेप ड्रॉ। ये हमारा टेल बनेगी। अब हम इसको कट करेंगे और इस तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारी कैट यहाँ तैयार है। ये हमने इसके पैर पेस्ट कर दिए और ये पीछे इसकी टेल पेस्ट कर दी है। आप अपनी कलर की अपनी पसंद की कैट बना सकते हैं, अपनी पसंद का ग्लिटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। ग्लिटर पेपर ना हो, गूगी आई ना हो, तो आप पेपर का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। थैंक यू।